श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मुनि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत् वागर्थाविव संप्रत्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते अतुलित बलिधाम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृसानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चर जो न मानी है जिनके विमल विचार जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सिय राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल मति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि प्रभु हरहु कलेश विकार सतगुरु तेरी वंदना जय श्री आदि गणेश आके माता शारदे मम कंठ में करो प्रवेश आइए सभी भक्तजन थोड़ी देर के लिए अपनी हस्ती को छोड़ के मस्ती में बोलेंगे प्रभु जी का पावन नाम और उसके बाद श्याम सीताराम
हाँ सभी भक्त बोलेंगे ताली बजाते हुए, और भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा। अब तक तो निभाया है श्याम, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, श्री राम मेरी नैया उस पार लगा देना, के साथ माया आते जो मुझे घेरे, दल बल के साथ माया आते जो मुझे घेरे, और हे प्रभु तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना, प्रभु देव मैं पुजारी, हो तुम इष्ट मैं उपासक, प्रभु देव मैं पुजारी, यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना, अब तक तो निभाया है श्याम, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, श्री राम मेरी नैया उस पार लगा देना, लगा।
जेंट्स बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। ऐसे नहीं सब लोग हाजिरी लगाओ बाबा के दरबार में उच्च स्तर में जय घोष करेंगे हाथ उठाते हुए। प्रेम से बोलो बाबा के बिहारी लाल की जय हो। जय बोलिए श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो। जय श्री राम श्री सीताराम हरिओम। सर्वप्रथम आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सत सत बान नमन। यत तत्र से पधारे हुए सभी सत्संग प्रेमी श्रोता बंधु महान भाव भक्तजन भारत की पवित्र माताएं बहने और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक एवं सभी सहयोगी गण सभी कार्यकर्ता गण सभी पुण्य आत्माओं को यथाउचित अभिनंदन वंदन करते हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सभी को विदित है आज का कार्यक्रम जो है इसका सीधा प्रसारण साधना टीवी के माध्यम से पूरा देश देखेगा, इसलिए शांति व्यवस्था बना करके ही सभी भक्त कथा में आनंद प्राप्त। और जो भी कार्यकर्तागण हैं थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे, बार बार मंच के माध्यम से नहीं बताया जाएगा, थोड़ा सक्रिय रहें। जय श्री सीताराम श्याम श्याम। और एक सूचना है, जिन माताओं बहनों ने कलश यात्रा में भाग लिया था कृपया ठीक 7 बजे जो लोग आइएगा पूजा कर जाइएगा, 7 बजे के बाद में कलश की पूजा नहीं होगी, विशेष ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त के समय में आकर के अपने अपने कलश की पूजा करिएगा, 7 बजे के बाद में नहीं आइएगा। बोले वृंदावन बिहारी जय जय हो। आइए मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मिथिलेश तिवारी जी रामलखन यादव जी व्यास मंच पर आकर व्यास जी महाराज का पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और फिर कथा को श्रवण करने के लिए यथास्थान बैठ करके कथा को श्रवण करेंगे। भैया एक लोग यहाँ गैलरी के गेट पे खड़े हो जाना, महिलाओं को इधर ना आने देना, इधर के सभी कार्यकर्तागण जो भी हैं व्यवस्था को बना करके रखेंगे क्योंकि आपके यहाँ का कार्यक्रम है, पूरा देश देखेगा तो अच्छा लगना चाहिए, इसलिए सभी कार्यकर्ता अपनी व्यवस्था को बनाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी सरकार की जय। Thank you.
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए यजमान जी व्यास जी महाराज का तिलक करते हुए ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोलिए व्यास भगवान की जय। व्यासी महाराज की जय। सभी तालियों का सहयोग करते हुए बोले व्यास भगवान की जय हो। आइए व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए यजमानगण यथास्थान बैठ जाएं और महाराज जी के मुखारविंद से अमृतमय वाणी से कथा को श्रवण करके जीवन को धन्य बनाएं। हरि ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मुनिमध्यमाय अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक इनके पद वंदन किए नासते विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज न माने जिनके विमल विचार। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय बोलिए शिव शक्ति धाम की जय हो। जय बोलिए श्री नैमिषारण्य धाम की जय हो। आइए सभी भक्तजन बड़ा भाव के साथ में एक बार प्रभु जी का पावन नाम और उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे कथा में। सभी भक्त बोलेंगे अरे राम जपने से तर जाएगा ओ राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से राम जपने से राम जपने से तर जाएगा और पार भव से उतर जाएगा। जय हो। पारभव से हो पारभव से पारभव से उतर जाएगा बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सर्वप्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान जिनके चरण कमलों में सब सब बार नमन।
सभी समुपस्थित एवं अनुपस्थित सभी श्रोता बंधु भक्तजन, भारत भूमि की पवित्र माताएं बहनें, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक सभी पुण्य आत्माओं को यथाउचित अभिनंदन वंदन करते हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। ये जो अवसर आप लोगों के मध्य में आया है, ये अवसर हर किसी के मध्य से नहीं आता है। जब उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हमारे आपके ऊपर होती है, जन्म जन्मांतर के जब हमारे आपके पाप नष्ट होते और पुण्य उदय होते हैं, तभी ऐसा अवसर हम लोगों के मध्य में आता है। यह पवित्र पावन भूमि जहां पर देवऋषि नारद 12 वर्ष पहले ही आकर के इस भूमि को चयनित किया, जो आज ये दिव्य अनुष्ठान हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया है कि यह मार्ग जो है भक्ति का मार्ग आसान नहीं है, बड़ा कठिन है, और आदमी इसीलिए जो है फेल हो जाता है। जरा सी भगवान की भक्ति करने लगे, थोड़ी समस्या आई, पड़ोसी कहते भैया ये तुम भक्ति कर रहे हो इसीलिए मामला गड़बड़ हो गया। गोस्वामी बाबा ने संकेत में कहा है यह मार्ग बड़ा कठिन है कि यही सरे आवते अति कठिनाई। कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। देखिए, इस मार्ग पर केवल वही लोग चल पाते हैं जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यह मार्ग आसान नहीं, बड़ा कठिन है, और जब कठिनाइयों का हम लोग सामना करेंगे तो सफलता एक ना एक दिन कदम चूमेगी। और प्रभु जी का कहना है यदि तुम कठिनाइयों का सामना करते हुए एक बार हमसे जुड़ पाओगे ना, तो फिर तुम्हारे द्वारा हम ऐसे ऐसे काम करवाएंगे जो कि तुमने स्वप्न में सोचा भी नहीं होगा। बिंदु जी ने लिखा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और उनका मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। जरा विचार करिएगा कि एक वर्ष में 12 महीना होते हैं, हिंदी महीना चैत मास से लेकर के फाल्गुन मास तक 12 महीना होते हैं। और क्या कभी सोचा है कि कभी कभी एक वर्ष में 12 के बजाय 13 महीना हो जाते हैं? देखिए, जो 2018 आने वाला है ना, 2018 में इस बार 13 महीना होंगे। यह 13वां महीना जो है, कहीं कहीं विद्वान लोग कहते हैं मल मास, कहीं कहते हैं पुरुषोत्तम मास, कहीं कहीं कहते हैं अधिक मास। 2018 में इस बार 2 ज्येष्ठ महीने होंगे। तो जब यह नियमावली है एक साल में 12 महीना होते हैं, फिर ये 12 में 13 कैसे हो गए? और ये 12 में 13 केवल एक भक्त के लिए प्रभु जी ने ऐसा नियम बदल दिया, और वो भक्त कथा में सुना है आप लोगों ने, भगवान श्री हरि नारायण के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। और इन्होंने भगवान के सुरक्षा व्यवस्था में
अपनी मानो पहरेदारी कर रहे थे, इतने में सनक सनंदन जी महाराज आते हैं। जय विजय ने रोका, हम थोड़ा प्रभु जी से आज्ञा ले लेंगे तब अंदर ले चलेंगे। अरे इतना कहना हुआ कि ये विद्वान लोग इतना नाराज हो गए और डांटने लगे, तू मुझे क्या रोकेगा, अरे तेरा विष्णु भी मुझे नहीं रोक पाएगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जय विजय को बताया कि हम तुम दोनों लोगों को श्राप दे रहे हैं कि तुम दोनों लोग 3 जन्म तक जो है निशाचर्योन में रहोगे। तो पहली बार यही दोनों कश्यप ऋषि जी के वहां जुड़वा बालक बने, एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और एक का नाम पड़ा है हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जो है थोड़ा पाप कर्म ज्यादा ही करने लगा, तो प्रभु जी ने 12 का रूप धारण करके इसका वध किया। और जब रह गया हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप बेचारा बड़े परेशान रह रहा है क्योंकि भाई का वध हुआ है, और परेशान होना भी चाहिए। काहे के कि भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है और इसको वो सहने पाता है जिसका वज्र का कलेजा है। फिर न कश्यप विचार करने लगा कि हम अपने भाई का बदला लेंगे जरूर। और देखिए एक बात और बता दें, समझदारी इसी में है कि दुश्मन पे जब भी चढ़ाई करें तो पहले उसकी गतिविधियों का पता लगा लें। हिरण्यकश्यप ने विचार विमर्श किया, यदि साधारण कोई पुरुष होता तब तो मैं धावा बोल देता, और भाई का बदला लेना है विष्णु जी से, इसलिए उनसे लड़ने के लिए हमें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता है। सज्जनों, कुछ विद्वान लिखते हैं कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, और कुछ विद्वानों के मतानुसार हिरण्यकश्यप ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। और एक बात बता दें, हमारे महादेव भगवान भोलेनाथ तो ऐसे देवता हैं, हर एक देवी देवता से ये भिन्न है क्योंकि इनका नाम है महादेव, और महादेव में ये विशेषता है। बाकी जो भी देवी देवता हैं वरदान देने के पहले विचार करते हैं, और हमारे भोले बाबा ऐसे देवता ये वरदान देने के बाद विचार करते हैं। और कई एक कथाओं में सुना है, देखिए भोले बाबा चिता की भस्म के ज्यादा प्रेमी हैं, और इनको चिता भस्म क्यों प्रिय है आगे की कथा में बताऊंगा। भगवान भोलेनाथ को एक भक्त जो है चिता की भस्म चढ़ाता रहा, एक दिन बाबा प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। तो इसने कहा बाबा हमें ऐसा वरदान दे दो हम जिसके ऊपर दाहिना हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो बाबा के मुंह से निकल गया वो मस्त, इसी का नाम पड़ा था भस्मासुर। और एक दिन बाबा नारद के ऊपर हाथ उठाई करके दौड़ा, बाबा नारद ने विचार किया अब क्या होगा, तो भस्मासुर को ऐसा उल्टा पाठ पढ़ा दिया और कहा बेटा जिनको ये भस्म चढ़ाते उन्होंने कुछ देने को कहा है। भस्मासुर ने कहा कहते तो आज भी है मांगो मांगो, मैं मांगता नहीं हूं। बाबा ने कहा बेटा जब तुम चले आते हो तो उनके पास में एक बड़ी सुंदर देवी जी आती है, तुम उनको मांग लो। भस्मासुर भैया पहुंच गया और भस्म चढ़ा करके कहीं छिप जाता है, इतने में देवी जी आ गई भंग लेके, और देवी पार्वती जी का आना हुआ कि भस्मासुर आ गया, जय हो महादेव की। भोले बाबा ने कहा तू अभी भी यहां बैठा है। भस्मासुर ने कहा महाराज रोज कहते थे मांग लो आज मांगने की इच्छा है, क्या मांगोगे। कहा इन देवी जी को हमें दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा मूर्ख अरे ये तो तुम्हारी मां है। भस्मासुर ने कहा महाराज
देते हो या कि दाहिना हाथ उठाया का संभल जाओ बाबा। भोले बाबा भाग पड़े। मतलब ये ऐसे देवता हैं, वरदान देने के बाद विचार करते, पहले कोई विचार नहीं। एक भगत को वरदान दे दिया कि तुम्हारे 1000 हाथ हो जाए, 10000 हाथियों का बल आ जाए। सोनितपुर का राजा था ये 1200। और जब इसको बाबा ने इतना कुछ दिया तो एक दिन ये भोले बाबा के पास पहुंच गया, कहता है बाबा और दो दो हाथ हमारे तुम्हारे हो जाए। ऐसे है महादेव। और हम तो कहते हैं यदि भोले बाबा की भक्ति नहीं कर पाओगे तो दुनिया में फिर किसी देवता की भक्ति कर पाना मुश्किल है। अरे ये तो वो सरकार है, चारों मजहब मानते हैं, हिंदू भाई भले ही कम मानते हो, मुसलमान बंधु बहुत मानते हैं, कहते हैं काशी में तेरा जलवा काबे में नजारा है। और भोले बाबा कहते हैं भाई हम गरीबों के लिए बहुत बढ़िया देवता हैं, महंगाई का समय चल रहा है, घर मकान नहीं बन पा रहा है, मंदिर कैसे बनवाओगे। बाबा कहते हैं हमारे लिए मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ी मिट्टी डाल के चबूतरा तैयार कर लो, मेरे लिए वही मंदिर है। एक बात और बता दें, पूजा की सामग्री बड़ी सस्ती, गांव देहात में तो 2 पैसे नहीं लगेंगे, 1 लोटा जल, थोड़े फूल और थोड़े फल। भोले बाबा कहते हैं फल के चक्कर में, ज्यादा महंगे फलों के चक्कर में मार्केट नहीं जाना। भाई गरीब आदमी सेब कहां से चढ़ा पाएगा बाबा को। भोले बाबा कहते हैं पता कर लेना कहीं धतूरा मिल जाए, धतूरा न मिले तो कोई बात नहीं, मंदार भी चलेगा, इतनी सस्ती पूजा है शिव जी की। वैसे ये मंत्र याद रखिएगा, ये मंत्र ज्यादा नहीं, केवल 11 बार आप लोगों को जाप करना है 1 वर्ष। श्रद्धा विश्वास के साथ 1 वर्ष ये मंत्र प्रतिदिन 11 बार जाप करिएगा तो भोले बाबा का कहना है कि हम तुम्हारी एक कामना जरूर पूरी कर देंगे। अब वो मंत्र है कौन सा? वो मंत्र रामायण में है, बालकांड में है। एक बात और बता दें भैया, ये मंत्र याद कर लेना और अपने अंदर कामना ऐसी ही करिएगा जो आपके योग्य हो। हाँ पता है मन के अंदर कामना करो कि 2019 में हम ही सीताराम, जैसी आपकी हैसियत है अपनी हैसियत के अनुसार कामना करिएगा। हमें करना क्या है? 1 लोटा जल, धतूरा के फूल फल शिव जी को चढ़ाना है और सच्चे भाव के साथ में बाबा से ये प्रार्थना करना है और यही मंत्र 11 बार जपिएगा। कौन सा? इच्छित फल बिनु शिव अव राधे, इच्छित फल बिनु शिव अव राधे, इच्छित फल बिनु शिव अव राधे, लहियन कोटि जोग जप सारे, शिव अवराधे लहीन कोट जोग जप साधे। तो हिरण्यकश्यप जो है भगवान, भूत भगवान भावन भोलेनाथ जी का ध्यान करने के लिए कैलाश पहुंच गया और जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए भक्तराज वरदान मांगो, तो हिरण्यकश्यप ने कहा बाबा हमें अमर कर दो।
शायद भोलेनाथ ने किसी पहले भक्त से ये कहा है कि बेटा हम तुम्हें अमर नहीं कर पाएंगे, बाकी जो मांगना है मांगो। हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज हमें या तो अमर कर दो, एक वरदान देना है तो अमर कर दो, और यदि एक वरदान नहीं दे रहे हो तो फिर बाबा अनेक वरदान देने को कहो। देखिए ये कोई साधारण भक्त नहीं है, और फिर महादेव तो है ही महादेव, ध्यान दे। भोले बाबा ने कहा बेटा मेरा नाम भोले भंडारी है और भंडार में मेरे कमी नहीं है, एक नहीं दूंगा अनेक देने को मैं तैयार हूं। अब देखिए हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं कह रहे अमर हो जाओ, तुम घुमा फिरा करके वरदान ऐसा ही मांगू जिससे हम मरे ना। क्या मांग रहा है वरदान? कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, ऊपर न मरू नीचे न मरू, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, और निस में ना मरूं दिन में ना मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, हम दिन में ना मरे, रात में ना मरे, अंदर ना मरे, बाहर ना मरे, ऊपर ना मरे, नीचे ना मरे, किसी तीर तलवार से ना मरे। अच्छा भोले बाबा मस्ती में बैठे एव मस्त, हिरण्यकश्यप विचार करता है कि हमें लगता है आज बाबा ज्यादा ही मस्ती में बैठे हैं। अरे डायरेक्ट नहीं कह दिया अमर हो जाओ, और जो हम वरदान मांग रहे हैं वो सब दे रहे हैं। भोले बाबा ने कहा और कुछ मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा अब हमें ऐसा वरदान दे दो महाराज, हम किसी जानवर से ना मरे, किसी इंसान से ना मरे, किसी तीर तलवार से ना मरे। आखिर में कहा एक ये वरदान हमें दे दो महाराज, दुनिया में कोई ऐसा सुख बाकी न बचे जो हम उठावे ना। भोले बाबा ने कहा यो मस्त और मांगो। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा मांगने को रह क्या गया है, अरे हाँ बाबा हमें एक वरदान ये भी दे दो कि हम 27 नक्षत्रों में ना मरे। ए बाबा ने कह दिया यो मस्त और मांगो। अब गुड़ा भाग लग गया, क्या बचा है? हाँ याद आ गया, अरे महाराज हमें एक ऐसा वरदान दे दो कि हम 12 महीनों में ना मरे। देखो एक वर्ष में 12 महीना है तो 12 महीनों में ना मरे। बाबा ने कह दिया यो मस्त और मांगो। अब हिरण्यकश्यप ने गुड़ा भाग लगाया, बचा क्या मांगने को। अरे एक बात और बता दें, ये बात हिरण्यकश्यप की नहीं है। अब कहते भाई हिरण्यकश्यप मरना नहीं चाहता था, क्या हम आप लोग कोई चाहते हैं मरना? हाँ नहीं, जानते सब है मरना है, मानते सब है मरना है। अच्छा कुछ लोग कहते भी हैं लेकिन चाहते नहीं है। अब ठंडी बढ़ने वाली है, कुछ बुजुर्ग लोग जो है ना बच्चों से परेशान होते हैं तो यही कहते हैं प्रभु मेरा नंबर कब आएगा, बुला लेते सरकार।
सुबह ये कहते हैं कि प्रभु जी हमको बुलाओ, और शाम को पता लगा बन गया कालरा, तो डॉक्टर साहब से क्या कहते हैं, साहब किसी प्रकार बचाओ ये ठंडी पार हो जाए, मरना कोई नहीं चाहता है। गोस्वामी बाबा ने रामायण में लिखा, देखे वैसे तो हम लोगों के लिए सब कुछ प्रिय है ना, लेकिन दो चीजें ज्यादा प्रिय हैं, एक तो ये शरीर और दूसरे इसमें बसने वाली आत्मा। बाबा ने लिखा है कि देह प्राण सम प्रिय कछु नाही, जानते सब है मरना है लेकिन चाहते कहां है। एक मेरा भजन आप लोगों ने सुना होगा चेतावनी भाग एक में, कि हम लोग बनाते बनाते बिगड़ जाते हैं लेकिन हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, आशाओं का हुआ खात्मा दिल की तमन्ना बनी रही, और जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। भोले बाबा ने कहा और कुछ मांगो, हिरण्यकश्यप ने कहा जब आपने ये वरदान दे दिया कि मैं 12 महीनों में ना मरूं तो महाराज अब हम कुछ नहीं चाहते, अब आप जाओ। भोले बाबा चले गए, अब हिरण्यकश्यप ठहाका मार करके हंस पड़ा, आज से ब्रह्मा मैं हूं, विष्णु मैं हूं, कोई भी कृष्ण राम दामोदर नारायण ये नाम नहीं लेगा। और बात हिरण्यकश्यप की ही नहीं है, बताते हैं महापुरुष लोग कि को ऐसा उपजा जग माही, जय हो में करता कोई उत्पात नहीं, जब वही धनी हो जाता है तब करता सीधी बात नहीं। हिरण्यकश्यप ने ऐलान करवा दिया कि विष्णु मेरा वैरी है, कोई लोग धोखे में उनका नाम नहीं लेना। लइयो मम वैरी केरो नाम के ओ भूल नाही, हिरण्यकश्यप का आदेश था। और माला तोर फेको छापा तिलक लगइयो ना, जइयो ना दिवाले ने परवाले हम उतार ले हो, मतलब मंदिर कोई नहीं जाएगा, पूजा पाठ योग यज्ञ हवन करइयो ना, मान्यो ना पिता अरु मात करहो गऊ विप्रघात, गुरु को सौगात लात छोड़ के देवियो ना, और खइयो मांस मदिरा उड़ियो तुम पुराण वेद, लइयो ना दया और देवी देवता मनइयो ना। ये हिरण्यकश्यप का आदेश था। वैसे मेरी समझ में तो एक बात ये आई है, देवता दैत्य तब भी थे अब भी हैं, कहीं गए नहीं हैं। और दैत्यों की गिनती यानी निशाचर है कौन, मैं नहीं कहता हूं, भगवान भोलेनाथ ने देवी जी से बताया था, भवानी निशाचर कौन है। अरे किसी में ऐसे लक्षण हैं तो ये अपनी बुराई दूर कर दीजिएगा। हाँ निशाचर कौन, कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवाव सेवा, साधुन सन करवाव सेवा।
छोड़ा नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा साधुन सन करवा वही सेवा और भोलेनाथ कहते हैं जिनके ये आचरण भवानी ते जाने हो निश्चर सेवा जिनके ये आचरण भवानी ऐसे लक्षण वाले कौन है निशाचर। अब हिरण्यकश्यप का जब ऐसा ऐलान हुआ तो संत महात्मा बेचारे सब कान दबा दबा करके बैठ गए, क्या किया जाए, रोने के बहाने से भी नहीं गाया जा रहा है। मगर एक बात याद रखिएगा, जब जब धरती से धर्म घटा है तब तब असुर अभिमानी बढ़े हैं, और जब जब असुर अभिमानी बढ़े हैं तब तब सरकार ने ये उनकी मर्जी है कौन सा रूप बना करके आ रहे हैं यहां पर, और हम लोग उनके रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, ये हमारी आपकी कमी है। हाँ, मोतियाबिंद वाली आंख से देखोगे तो सरकार की सच्चाई नहीं पहचान पाओगे, ध्यान रखिएगा। हिरण्यकश्यप जो है एक दिन राजस्थान की तरफ निकल पड़ा, थोड़ी सेना जोर बटोर ले। घर पे हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु अकेली है और वो उस समय गर्भावस्था में है। आज कयाधु गर्भवती थी, देवराज इंद्र ने विचार किया कि अभी हिरण्यकश्यप अकेला है और ऐसा ना हो कयाधु के गर्भ से बेटा हो जाए तो हिरण्यकश्यप का जोड़ीदार हो जाए, तब तो बड़ी दिक्कत है। क्या हुआ, हिरण्यकश्यप घर पे नहीं और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप का रूप बना करके गए, अरे कयाधु आओ हम तुमको घुमाने ले चलते हैं। कयाधु को देवराज इंद्र रथ में बिठा करके चल दिए और जैसे एक जंगल में पहुंचे इंद्र ने विचार किया कयाधु का वध कर दें, परंतु एक बात तो मानना पड़ेगा, आजकल लोग कह देते एक दूसरे से ज्यादा करोगे मर जाओगे, मार डालूंगा, लेकिन ये विभाग आपके पास है कहां, वो ब्रह्म सत्यलोक में निवास करने वाला ब्रह्म परमपिता परमात्मा कह लो, चाहे गार्ज लाइट कह लो, चाहे रब कह लो, चाहे सातवें आसमान का खुदा कह लो, वो ब्रह्म बिन पग चलई सुनई बिनु पाना करम करे बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन करम करे विधिनाना आनंद रहित सकल रस भोगी वो ब्रह्म। उस ब्रह्म ने सबको अलग अलग काम सौंप दिया, ऐ छह डिपार्ट उस ब्रह्म के हाथ में स्वयं है, और वो छह विभाग कौन कौन से हैं, हान लाभ जीवन मरण जस और अपजस, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, अरे मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। विद्वानों ने तो कहा भी है ना कि जाको रक्षक साइया
मार सके ना कोई और बाल नवा का कर सके जो जग बैरी होए। अरे जैसे देवराज इंद्र ने कहा धू के ऊपर खंजर उठाया कि देव ऋषि नारद आ गए, रुक जाओ देवराज। अरे इस अबला पे हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा देखो इस अबला पे हाथ इसलिए उठा रहे हैं, ये राक्षस की पत्नी है और गर्भ से बेटा हो गया, अभी हिरण्यकश्यप तो अकेले तबाही मचाए, बेटा हो गया वैसे तब क्या होगा। बाबा नारद ने कहा देखिए तुम्हारी सोच बढ़िया नहीं है, मैं तो इतना जानता हूं तुम्हारे अंदर की सोच यदि बढ़िया है तो लोग तुम्हारी बुराई भी कर रहे हैं और उस बुराई को थोड़ा बढ़िया सोच से देखिएगा तो उसमें तुम्हारा लाभ नजर आएगा। सोच हमेशा पॉजिटिव रखे, निगेटिव न रखे। बाबा नारद ने कहा तुमने ये तो विचार कर लिया कि राक्षस के बेटा राक्षस होगा, अरे जरा सोचिए हो सकता है इसका पाप अत्याचार देख करके प्रभु जी को दया आ गई हो तो कयाधु के गर्भ से राक्षस नहीं बल्कि कोई अपने लोगों के लिए बचाने के लिए मालिक ने किसी फरिश्ते को भेजा है। और देवराज इतना तुम्हें मानना पड़ेगा कयाधु को हम मारने नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा है। और मैं तो यही कहता हूं भाइयों बहनों, कोई धर्म कर पाओ या न करो ये धर्म जरूर करिएगा। कौन सा? कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जय हो। नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परिणाम यह निकला कि बाबा नारद ने कयाधु को बचा लिया और बाबा नारद कयाधु को अपने आश्रम पर ही लिए चले गए। अच्छा बाबा जी के आश्रम पे था क्या? तुलसी की पूजा है, जिधर देखो उधर नारायण, जिधर देखो उधर सीताराम, जिधर देखो उधर जय गोपाल, यही सब चल रहा है। अब उस वातावरण में कयाधु रुक गई तो इसका पूरा पूरा प्रभाव जो है पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर भी पड़ गया। यह तो हमारे वैज्ञानिकों का भी रिसर्च है, गर्भवती माता का जैसा खान पान होता है, जैसा रहन सहन होता है, संतान उसी प्रवृत्ति की होती है। अब उस भक्ति भाव वाले माहौल में रहने लगी कयाधु तो इसका प्रभाव जो है पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर भी पड़ा। और सज्जनों समयानुसार बाबा के आश्रम पर कयाधु ने एक बच्चे को जन्म दिया और बाबा नारद ने इसका नामकरण किया। इस बच्चे का नाम क्या पड़ा है? इसी बच्चे का नाम पड़ा था प्रहलाद। सज्जनों प्रहलाद भी जब थोड़ा बड़ा हो जाता है और बच्चों के ऊपर जो है देखा देखी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। देखिए मकान की नींव यदि टेढ़ी भरोगे ना तो पूरा मकान टेढ़ा होगा। इसी प्रकार जिंदगी की नींव जो है यह बचपन है, यदि बिगड़ गया बचपन तो भैया नहीं सुधर पाता है बचपन। संत विद्वानों ने तो कहा है कि संभला है जिनका बचपन,
जीवन बना उन्हीं का संभला है जिनका बचपन सतगुरु जिन्होंने पाया सतगुरु जिन्होंने पाया मोरे आपा जगा उन्हीं का संभला है जिनका बचपन जय हो बचपन जीवन बना उन्हीं का। और एक बात और बताते चलें कि बच्चों का बचपन जो है जिंदगी की नींव है बचपन, और बनाने बिगाड़ने वाले होते हैं माता पिता, ये प्रथम गुरु हैं। चाहे तो बच्चे की जिंदगी बनावे चाहे तो बिगाड़े। आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो अब जरूर देखिएगा कुम्हार भाई का चाक। चाक पे मिट्टी एक ही रखी है, और कुम्हार भैया क्या करता है जब चाक घुमाता है ना तो केवल उंगली का इशारा कर रहा है, कहीं कुल्हड़ बन गया तो कहीं प्याली बन गई तो कहीं चिलम बन गई कहीं सुराही बन गई, मिट्टी एक ही है। अब सुराही में जल भरा गया खुद ठंडी है, और जितने लोग जल पिए थोड़ा हृदय ठंडा हुआ। सुराही और उसी मिट्टी की बनाया है चिलम, खुद जल रही है। बाबा लोग कहीं कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं ना, अब उनसे पूछो ये कुछ ठंडक पहुंचाती है या कुछ। तो ये है बच्चों का बचपन, बनाने वाले हैं माँ बाप, चाहे इनका भविष्य बनावे चाहे बिगाड़े। और प्रहलाद का जीवन संवर गया क्योंकि इनका जन्म ही एक आश्रम पे हुआ है। और संतन के संग लागरी, एक बार ताली बजाएंगे मस्ती में सब लोग, संतन के संग लागरी हो तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो संतन के संग लागरी समर गया क्योंकि एक संत जी के आश्रम पर जन्म हुआ, और वहां का भक्ति भाव जो है भैया ना प्रहलाद जी के ऊपर पूरा असर कर गया। हाँ ध्यान दे, अब हिरण्यकश्यप जब घर आया कयाधु नहीं मिल पाई, खोज किया, और जब खोज किया तो बाबा के आश्रम पर कयाधु मिली। हिरण्यकश्यप नारद पे नाराज तो हुआ लेकिन कयाधु ने बता दिया महाराज देखिए बाबा की बड़ी कृपा है, इन्होंने हमें बचा लिया, नहीं तो देवराज इंद्र हमें मार देते। हिरण्यकश्यप ने कहा तो ठीक है, पहले तो मेरे नंबर में विष्णु जी थे लेकिन इंद्र, अब मरने वालों की लिस्ट में तुम्हारा नंबर पहला मैंने लगा दिया। अब देवराज इंद्र घबराए, नारद के पास गए, बाबा तुमने गजब कर दिया, बताओ उसको बचा लिया, अब नंबर मेरा पहला आ गया। बाबा ने कहा घबराओ नहीं, समय आने दो। अब क्या था, प्रहलाद जी के सहित कयाधु जब घर आए, अच्छा प्रहलाद जी की आदत थी ना बाबा के आश्रम पर रहे हैं,
तो राम राम सीताराम तितली भाषा में जब राम राम शुरू किए और ये तोतली भाषा राम राम शब्द हिरण्यकश्यप ने सुना रहे कहा ये मेरे दुश्मन का नाम तू ले रहा है, चुप हो जा। संडा मर्क खड़े थे गुरु शुक्राचार्य के दो बेटे। संडा मर्क जी ने कहा महाराज इसमें बच्चे की गलती नहीं है, गलती तो इसके रहन सहन की है, लेकिन ऐसा करिए इस बच्चे का एडमिशन मेरे विद्यालय में करवा दीजिए तो शायद ये बच्चा जो है तुम्हारे ही नाम जपेगा। संडा मर्क जी के आश्रम में प्रहलाद जी पढ़ने आ गए और मैं बता चुका हूं कि बच्चों का बचपन कोरा कागज है भाई, जैसा चाहो वैसा बनाओ। थोड़ी देर के लिए प्रहलाद मान गए कि मेरा ही पिता ईश्वर है, मेरा पिता भगवान है, मेरा पिता जगदाधार है। एक बात और बता दें, गुरु और सतगुरु में अंतर होता है, ऐसे ही ईश्वर और भगवान में भी अंतर है। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, आगे की कथा में आएगा। सज्जनों, प्रहलाद भी थोड़ी देर के लिए अपने बाप को ईश्वर मान गए और एक दिन प्रहलाद जब विद्यालय के बाहर निकले तो इनके कान में आवाज सुनाई पड़ी, वही सीताराम सीताराम। प्रहलाद ने विचार किया इस नाम पे तो वैन लगा है, यानी इस नाम को कोई लेता है तो मारा जा रहा है, और ये नाम बहुत पहले मैंने सुना था, आखिर ये नाम ले कौन रहा है। प्रहलाद जी गए तो क्या देखा, एक टूटी सी मड़ैया में एक वृद्धा माता बैठी रो रही थी और गुनगुना रही थी मीठे मीठे सुरों में कि मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। कहते हैं चुप हो जा, ये किसका नाम ले रही है। कुम्हारन माता रोने लगी, बेटा नाम ले रही है अपने जगदाधार परमपिता परमात्मा का, वो ईश्वर का परमपिता परमात्मा। अरे वो तो मेरा बाप है। कुम्हारन माता ने कहा मैं नाम ले रही हूं भगवान का, ईश्वर का। अरे चुप रहो, ये मेरा बाप है। कुम्हारन माता ने कहा बेटा तेरा बाप भगवान नहीं है ना ही ईश्वर है, तेरा बाप एक घमंडी इंसान है। भगवान जानते हो कौन होता है, समय पर किसी के गरीब के काम आ जाओ, किसी गरीब के समय पे काम आ गए आप तो उसके लिए आप भगवान हो गए। किसी गरीब की मदद कर दीजिए ना, और वो गरीब जब भी बात करेगा तो यही कहेगा भैया तुम तो हमारे लिए भगवान हो गए। रहे नेकी पे जो कायम उसे इंसान कहते हैं, और बचा ले लाज जो जन की उसे भगवान कहते हैं। मगर एक बात बता दूं बेटा, जिस धन के घमंड में तेरा बाप अपने को ईश्वर समझ रहा है, परमपिता समझ रहा है, वो धन काम नहीं आने वाला है। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। यह नाशवान शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। और बेटा सुनो, हम तुम्हारे बाप को नहीं बल्कि तुमको भी ईश्वर का दर्जा दे दूंगी, मगर कब कब। कुम्हारन मैया रोने लगी, बेटा दरअसल में मैंने एक बिल्ली पाल रखी थी और उस बिल्ली के छोटे छोटे चार बच्चे थे, और आज जब मैं अपने बर्तनों को आवे में लगाया वो बिल्ली के चारों बच्चे इस
मटके में बंद थे। अब आग लग चुकी है, यदि तेरा बाप ईश्वर है या भगवान है, इन बच्चों को जिंदा निकाल दे, मैं तुमको भी मानूंगी, परमात्मा हो। प्रहलाद हंसने लगे, अरे बूढ़ी तेरी मति मारी गई है, आग जल रही है, बिल्ली के बच्चे तो मर जाएंगे। अच्छा ये बताओ क्या तेरे नाम बचा लेंगे? कुम्हारन माता ने कहा क्यों नहीं बेटा, प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, और अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती है जंजीरें। अरे परमात्मा पे विश्वास करके तो देखो, परमात्मा पे विश्वास नहीं होता है, आदमी पे बड़ा पक्का विश्वास है। क्यों? नाई की दुकान जाते हैं, नाई की दुकान शेविंग करवाने, अब तुमको उस बंदे पे पूरा विश्वास है कि इसका छुरा जो है दाढ़ी पे ही चलेगा। अच्छा कहे आंखें बंद किए बैठे हो और दाढ़ी के बजाय जो गले पे दो राउंड लगा देता सीताराम, तुम्हें विश्वास है ये ऐसा नहीं करेगा। ऐसे ही परमात्मा पे विश्वास करिए, कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। मैंने विश्वास किया है। कुम्हारन माता ने कहा बेटा यदि मेरे राम इन बच्चों को बचाते नहीं तो मैं कतई उनका ध्यान नहीं करती। अरे भाई चमत्कार है तभी तो नमस्कार है। और ये बात हमेशा याद रखिए, जब होगा चमत्कार तभी दुनिया वाले करेंगे नमस्कार। वो चमत्कार चाहे धन का हो, पद का हो, बल का हो, विद्या का हो। अब मेरे पास ये बाढ़ी वाला चमत्कार है तो देश नमस्कार कर रहा है, और ये चमत्कार नहीं होता तो कहां हमारा जनपद सीतापुर यूपी, और कहां हम यहां बैठे। चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। प्रहलाद ने कहा तो ठीक है, मैं तो चला विद्यालय और सुबह आऊंगा, मेरे सामने आवा खोलिएगा, अगर जो बच्चे मरे मिले तो साथ ही मैं तुम्हारी पूर्णमासी मार डालूंगा, और यदि बच्चे जिंदा मिल गए ना तब तो मैं आपको अपनी मां समझूंगा। प्रहलाद चले गए, रात बीती, सवेरा हुआ, प्रहलाद जी आए। कुम्हारन माता बेचारी रात भर बैठी रही, हे परमात्मा अब यदि ये बच्चे जिंदा न निकले तो मेरी लाज नहीं आपकी, समझ लीजिए लाज जाएगी। सुबह सुबह प्रहलाद जी आए, आवा खोलिए, और जैसे कुम्हारन माता ने आवा खोला, ओहो चारों बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके बाहर आ गए। बोलो ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो। प्रहलाद कहने लगे इस आवे में कुछ गड़बड़ है, हमें लगता है तुम कुछ जादू तो नहीं जानती हो, आज यहां भी जादुई झांकी होगी जय कुमार ग्रुप के द्वारा। कहा तुम्हें कुछ जादू तो नहीं आता है? कुम्हार मैया ने कहा बेटा विश्वास नहीं है तो आवे को चेक कर लो। और जैसे प्रहलाद आवे के पास गए ना, कुम्हार माता कहती है राघवेंद्र सरकार आपसे मेरा एक निवेदन है, ये बच्चा अबोध है तो प्रभु जी इसको कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ थोड़ा इसे बोध आ जाए। ओहो प्रहलाद ने क्या देखा, एक मिट्टी की हंडी के अंदर कि देखा एक हंडी के अंदर भगवान श्री हरि राज रहे। देखा एक हंडी के भगवान श्री हरि राज रहे।
है शंख चक्र और गदा पदम संघ में खगराज विराज रहे भगवान का दर्शन किया। ओहो प्रहलाद दौड़े और कुम्हारन मैया के चरणों में गिर गए। मां ये बताओ क्या तुम्हारे भगवान हम पे नहीं कृपा करेंगे, हमें नहीं मिलेंगे। कुम्हारन माता कहने लगी बेटा ये हमारे खरीदे थोड़ी हैं। दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, लेकिन बेटा इनकी कृपा ऐसे नहीं मिलेगी क्योंकि तुम अभी अधूरे हो। प्रहलाद बोले माता तो ये बताओ हम पूरे कैसे होंगे। कुम्हारन माता ने कहा क्योंकि बेटा तुमने अभी तक गुरु नहीं किया है। वैसे कहते तो ये हैं, बाबा ने लिखा भी है कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई, जब तलक प्राणी गुरु नहीं करता है तब तलक पूजा पाठ का पूरा फल नहीं मिलता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, केवल गुरु के चक्कर में भी ना रहिएगा। हाँ ये बात तो सत्य है कि गुरु भगवान से बड़ा है, लेकिन कहीं कहीं लोग कह देते हैं गुरु सबसे बड़ा है। गुरु सबसे बड़ा नहीं होता है, गुरु का नंबर तीसरा है। तीसरा गुरु से दो लोग और बड़े हैं, और मैंने देखा है जो दो लोग गुरु से बड़े हैं ना, लोग उनकी सेवा और पूजा करते हैं लाठी डंडों से, और गले में कंठी 250 ग्राम से कम नहीं होगी। जो दो लोग गुरु से बड़े हैं उन पर गालियों से वार हो रहा है, अपशब्द बोले जा रहे हैं, और कान में अंगूठा ठोस के बैठ जाते मैं गुरुमुखी हूं भजन कर रहा हूं। खेत में असली गैया मिल जाए मार मार डंडों के पैर तोड़ते हैं, और मंदिर में पत्थर वाली को वैसा साफ करेंगे जैसे बैतरणी नदी अभी पार होना है।